और आज योगी कैबिनेट 2.0 का पहला विस्तार होने जा रहा है। बड़ी खबर है, शाम 5 बजे होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में 4 नए मंत्री आज शपथ ले सकते हैं। बीजेपी के 2, एसपी एसपी के और आरएलडी से एक एक मंत्री आज शपथ ग्रहण कर सकते हैं। तो ये बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। आज शाम 5 बजे मंत्रिमंडल विस्तार की खबर सामने आ रही है और योगी 2.0 का ये पहला कैबिनेट विस्तार है जिसमें जानकारी मिल रही है कि 4 नए मंत्री आज शपथ ले सकते हैं। और जो 4 मंत्री हैं इनमें से बीजेपी के 2, एसपी एसपी के 1 और आरएलडी से एक एक मंत्री आज शपथ ग्रहण कर सकते हैं। किनका किनका नाम सामने आ रहे हैं वो हम आपको बताते हैं। जो मंत्री बन सकते हैं उनके नाम हैं साहिबाबाद के विधायक सुनील शर्मा, इनके अलावा बीजेपी से ही दारा सिंह चौहान का नाम सामने आ रहा है। बड़ा नाम एसपी एसपी से है ओम प्रकाश राजभर, जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया हैं और आरएलडी से अनिल हो सकते हैं। वहीं ओम प्रकाश राजभर शपथ ग्रहण की तैयारी में जुटे हुए हैं। मंत्री बनने से पहले राजभर ने कहा उनकी पार्टी की वजह से पूर्वांचल में बीजेपी की ताकत बढ़ेगी, हारी हुई सीटों पर एनडीए की जीत होगी। लोकसभा चुनाव सर पर है, ऐसे में आपका मंत्री बनना भाजपा के लिए और आपके लिए कितना मुफीद और कितना फायदेमंद साबित? देखिए, वो तो 18 जुलाई 2023 को ही ये तय हो गया कि पूर्वांचल में जो सीटें बीजेपी हारी थी उसी दिन तय हो गया कि वो हम जीत जाएंगे। दूसरी बात ये तय हो गया कि सभी लोग जानते हैं कि पूर्वांचल की 28 लोकसभा सीटें और उत्तर प्रदेश के पश्चिम मध्यांचल से लेकर पश्चिमांचल तक, चाहे वो अलीगढ़ का इलाका हो, चाहे सहारनपुर मंडल का हो, चाहे आगरा मंडल हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे बरेली हो, उत्तर प्रदेश के 18 मंडल में हमने ये कुवत पैदा की है कि पूर्वांचल में अगर हम 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख वोट दिलाने की हैसियत हैं लोकसभा में, तो पश्चिम में भी हम 10,000 20,000 25,000 15,000 वोट दिलाने की हैसियत पैदा कर लिए हैं। आरएलडी कोटे से अनिल कुमार भी मंत्री बनने जा रहे हैं। मंत्री बनने से पहले उनका क्या कहना है सुनवाते हैं आपको। क्या कहेंगे, ये एक महत्वपूर्ण पल है, मंत्री बनने जा रहे हैं आप? यदि ऐसा होता है तो मेरे लिए नहीं, मुझे उस समाज के लिए जिस समाज से मैं आता हूँ, मैं दलित समाज से आता हूँ और उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण पल है और ये ऐसा काम होने जा रहा है जो मतलब कभी नहीं हुआ। अगर हम अपने जनपद की बात करें तो हमारे जनपद में हमारे अपने समाज के कम से कम 40 साल बाद कभी ये मौका मिलने जा रहा है, बड़ी बात है। कई नाम चलते रहे लेकिन अंततोगत्वा आपके नाम पर मुहर लगती दिख रही है, इसका पूरा श्रेय हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी को जाता है। उन्होंने जो है मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को, मीडिया में नाम बहुत सारे चल रहे थे लेकिन उन्होंने जो है पार्टी हित में जो भी उन्होंने निर्णय लिया उसका मैं दिल से नहीं आभार व्यक्त करता। तो यूपी में योगी सरकार के इस दूसरे पार्ट में पहला मंत्रिमंडल विस्तार आज शाम 5 बजे होने जा रहा है। हर खबर पर निगाहें बनी रहेंगी। ABP News, आपको रखे आगे।